हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीपीनेट सेफाई इटावा का एप्लीकेशन फॉर्म आया है नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का, तो इसकी पूरी हर एक जानकारी देखेंगे। इससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन नोट किए हैं और सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और हर एक ए टू जेड जितनी भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी एकदम एग्जैक्ट सही मिलेगी और पूरी आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इससे रिगार्डिंग। तो चलिए, आप लोग भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं सीपीनेट और इसके ब्राउचर डाउनलोड करते हैं। फिर ये सर्च करने के बाद आपके फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करिए, तो इसकी वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई इटावा। तो ये देखिए, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं सीपीनेट पे। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद ये देख लीजिए, अप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट, ये सब, और फिर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड करके रखा है, बस आपको WPS में ओपन कर लेना है किसी भी सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद क्या आना, फिर ये देखिए, संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। तो आप तीन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देके। तो संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू है और ये लास्ट डेट 16/7/2022 को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है वो इसी मंथ 16 तारीख तक। और आपका जो एग्जामिनेशन डेट है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो 28 को है इसी डेट इसी मंथ में है। तो ये पूरा हो गया और इसके ये देख लीजिए सब दिया गया है। कोई भी जानकारी इस पे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ईमेल और फ़ोन कर सकते हैं। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर है, ये देख लीजिए। इसमें आप कोर्स कर सकते हैं, बैचलर कोर्स हैं, जैसे BPT कोर्स कर सकते हैं, BOptometry, BMLT कोर्स कर सकते हैं, और आप यहां से BRIT कोर्स कर सकते हैं, BPharma कोर्स कर सकते हैं। और यहां पे नर्सिंग में BSc नर्सिंग जो कोर्स पहले यहां पे 60 सीटें BSc नर्सिंग की 60 सीटें थी, अब क्या है, ये 60 सीटें जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और KGMC एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हैं। उसी के थ्रू ये जो आपका सेफाई में BSc नर्सिंग की 60 सीटें हैं उसी के थ्रू फिलअप की जाएंगी। अब यहाँ पे ओनली GNM कोर्स कर सकते हैं। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि GNM कोर्स यहाँ से और ANM कोर्स, ये नर्सिंग की दो डिप्लोमा कोर्सेस दोनों हैं। ANM ओनली गर्ल्स के लिए हैं, इसमें बॉयज नहीं कर सकते, ओनली गर्ल्स। और GNM गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। DOT 30 सीटें हैं, DETCT 30 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, इसके भी बैचलर और डिप्लोमा कोर्स दोनों हैं। DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन और बैचलर की भी 60 सीटें हैं, और ये डिप्लोमा की फिजियोथेरेपिस्ट की 20 सीटें यहाँ पे हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन जो 20 सीटें, जो किडनी से रिलेटेड होती है, डायलिसियन होते हैं, तो ये भी सही कोर्स है। डिप्लोमा इन CT स्कैन, ये देख लीजिए, CT स्कैन 20 सीट, ये भी अच्छा कोर्स है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 20 सीट, ये भी सही कोर्स है। तो डिप्लोमा के जितने भी कोर्स हैं सब अच्छे कोर्स हैं, और बैचलर भी कोर्स जितने भी हैं अच्छे कोर्स हैं अपने आप में। तो ये एक वीडियो बनेगी कि सबसे बेस्ट कोर्स इसमें कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो DMRI डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की 15 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की 15 सीटें हैं। टोटल 600 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होगा, और एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेफई में है, एक ही कॉलेज है। ये नहीं कि इसके थ्रू आप दो तीन कॉलेज मिलेंगे, एक कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ओनली वन कॉलेज, पूरा कैंपस ही है ना। तो ये सब कोर्स के बारे में दिया गया है, कहाँ जॉब लगेगी अगर BPT आप करते हैं, BOptometry, ये सब पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहले आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन लीजिए। तो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कौन बेस्ट कोर्स है, उसी के अनुसार आप नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, उसी के अनुसार आपको प्रेफरेंस देनी है कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी। ये देख लीजिए क्या लिखा है, आवेदन शुल्क सामान्य और OBC आवेदकों के लिए 3000 रुपये रख दिया गया है, 1000 बढ़ा दिए गया है अब की बार।
और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले स्टूडेंट के लिए, कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 2000 रुपये हैं। अपने आवेदन फार्म का एक प्रिंट अवश्य लें और उसे सेव भी कर लें। जब आप एप्लीकेशन फार्म फिलअप करेंगे उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखिएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर लें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, सबसे बेस्ट कोर्स जान लें, फिर उसके बाद आप पहले ये कंफर्म कर लें कि सबसे अच्छा कोर्स है, प्रीफ्रेंस उसी के अनुसार आप देंगे। अगर प्रीफ्रेंस मांगता फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे अच्छे कोर्स, उसी के अनुसार आपका जब नंबर गेन होता है काउंसलिंग होगी तो उसी के अनुसार आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखिए इसमें प्रश्न पत्र दो होंगे, एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि दो पेपर आपको देना है। तो कॉमर्स आर्ट ये सब वाले और मैथ फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों का इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र दिए जाएंगे जैसा आप प्रेफरेंस डालेंगे। सब वीडियो बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट पूरी है इससे रिलेटेड जानकारी। पूरा 3-4 वीडियो देखने के बाद आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए और चैनल पर एक बार जाएं, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं इतना करा दिया हूँ कि सफिशियंट है और अभी कराता भी रहूँगा। इसमें देख लीजिए काफ़ी स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं क्या मैथ वाले कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैथ से आप हैं तो मैथ बी फार्मा कर सकते हैं, GNM कोर्स ये देख लीजिए, GNM कोर्स भी कर सकते हैं, ANM, DOT, DOptometry, DPT, DCT ये सब कोर्स GNM वाले जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं ये भी कर सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाया था कौन से बायोलॉजी कॉमर्स कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो वो सब वीडियो जरूर देख के जाइएगा। आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण में एकदम ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली आप जरूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ओरिजिनल चाहिए। तो जिसको भी जैसे EWS सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, OBC के लिए सर्टिफिकेट बनता है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो सर्टिफिकेट होता है, तो सभी को ओरिजिनल चाहिए, सर्टिफिकेट बनवा के जरूर रखिएगा। और ये लाइन पढ़िए, यही लाइन में काफ़ी कंफ्यूजन है, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं मतलब OBC पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जात प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की तिथि से 6 माह से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से अधिक पुराना वाला पिछड़े वर्ग के लिए नहीं चलेगा, OBC के लिए नया बनवाना पड़ेगा, OBC के लिए नया बनवाना पड़ेगा। इसी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट को पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है। ये देख लीजिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड, एक स्टूडेंट तो कमेंट किया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो कमेंट, वो हमें लगता है कि वो अपने क्या कमेंट किया था, ये साला जब भी कमेंट करता है ना तो उल्टा सीधा ही कमेंट करता है, कितनी बार मैं इसको देखा हूँ, अदर चैनल पे भी ये उल्टा सीधा कमेंट करता है। इसका आईडी जो है हर्षा राजपूत है। ये देख लीजिए सर 2021 प्रॉस्पेक्टस दिखा के 2022 का बकों के क्यों गलत बच्चों को क्यों इन्फॉर्मेशन गलत बता रहे हो, आपको जैसे लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैताई सिर्फ व्यूज के लिए सेम। इसको लगता है कि मतलब क्या है यार, ये इतना चूतिया लड़का है ना, क्या बताएं, ये साला जब भी किसी भी कमेंट करता है तो ऐसे ही उल्टा सीधा। अरे साले ये वीडियो जो मैंने बनाया था ना वो वीडियो तो पूरा देखना, उसके बाद मैंने बताया था, पहले शुरू में बताया था कि SAP नेट में कौन कौन से कोर्सेस हैं, उसके बाद मैंने एक स्लाइड चलाई थी जो पेपर की कटिंग थी, जो फर्स्ट वीडियो SAP नेट का जब फॉर्म आया था पेपर की कटिंग, उस वीडियो पे कमेंट किया था। पूरा वीडियो देखता ना, ये टिकटॉक वीडियो देखने वाला लड़का है, टिकटॉक वीडियो ये देख के और पता नहीं। तो ये देखिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड ये आपका विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, अभ्यर्थी वेबसाइट पर, तो ये सब हो जाएगा और काउंसलिंग आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, अभी ये सब छोड़िए, और ये एडमिशन के समय लगेगा ये भी छोड़िए, ये सब बाद में बता दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी वीडियो बनी हुई है, और टोटल फीस कितनी लगेगी आप जब यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो अगर ये देख लीजिए यहाँ पे हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है, कैसा हॉस्टल है सब वीडियो बनी हुई है। 29,500 रुपये डिग्री कोर्स के लिए और डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000 पर ईयर, हर साल इसको आप देने पड़ेंगे। अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं, हॉस्टल सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, तो 4,800 रुपये और लगते हैं पर ईयर लगते हैं हर साल, तो 34,300 रुपये डिग्री कोर्स के लिए, और अगर हॉस्टल भी लेते हैं और डिप्लोमा कोर्स अगर करते हैं हॉस्टल भी लेते हैं तो 29,800 रुपये, उसमें यही देखिए 4,800 रुपये ऐड हो गए हैं, किस में ऐड हो गए हैं,
इसमें 25,000 पहले लगते थे, अब 29,800 रुपये। तो ये चीज़ प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने तो निरस्त उरस्त ये सब बाद में बात कर लेंगे, ज़्यादा वीडियो तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है, मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय, ये भी मैंने, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने बता दिया किसी वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला चाहिए, ये भी मैंने बता दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा वाला चाहिए, लेटेस्ट वाला। और कोर्स वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, कौन से कोर्स का कट ऑफ कितना जाएगा, ये नेक्स्ट, ये वीडियो बाद में आएगी, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस जो रहेगा ना, जो आपका सिलेबस रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें 11th पोर्शन भी आएगा, 11th क्लास का एंड 12th क्लास का दोनों का पूछा जाएगा। और ज़्यादा महत्व आप 12th पे दीजिए, दोनों देना, लेकिन 12th को ट्वेल्थ बायोलॉजी का ना टोटल पोर्शन ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी, तो पढ़ना तो दोनों है लेकिन ट्वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, क्वेश्चन का नंबर जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, अभी मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में। आपके फिजिक्स में 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर बायोलॉजी आप चूज करेंगे या फिर मैथ चूज करेंगे तो उसमें 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे ये। और ये क्वेश्चन है कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं, तो माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल क्वेश्चन आप 100 के 100 कर सकते हैं, जो ना क्वेश्चन आए उसको गेस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, ये भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, हर एक, जैसे कानपुर, लखनऊ, सैफई, इटावा तो पिछली बार सेंटर नहीं था, आगरा था, फिर गोरखपुर था, ऐसे ऐसे जब अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो पता चल जाएगा। पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, जो पेपर का लैंग्वेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपका A4 साइज ऐसे पेपर दिखेगा, बीच में क्रॉस रहता है, एक तरफ आपका हिंदी रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, CP NET सैफई टावा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एग्ज़ाम सेंटर हो गया, वेबसाइट ओपन, फिलअप डेट बता दिया है। मैथ वाले स्टूडेंट हुईज कोर्स, मैथ वाले स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर सकते हैं, मैंने ये भी वीडियो भी बनाया था, इस वीडियो में भी बता दिया हूँ। ओनली वन कॉलेज, हाँ काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, अगर मैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देता हूँ कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, सैफई में एक गवर्नमेंट कॉलेज ये है, यहीं पे एडमिशन होगा, और किसी इसके थ्रू और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और टोटल सीट कितनी है, ये भी मैंने बता दिया, 600 सीटें जो हैं टोटल सीट यहाँ पे हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, टोटल मिला के। और ये नीट के थ्रू होगा कि नहीं, ये जो कोर्सेज है ना, ये नीट, विदाउट नीट, नीट को नहीं देना पड़ेगा, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होता है, जिसकी मैं अच्छे से अभी बता दिया भी हूँ। और नेक्स्ट, ओनली वन ईयर, ये जो, ये काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, ये एग्ज़ाम जो होता है ये पर ईयर होता है कि एक साल में दो बार होता है, तो ये एग्ज़ाम जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक साल में एक ही बार पर ईयर होता है, एक साल में एक बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पर ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ओनली UP वाले, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं, क्या मैं बिहार से हूँ, दिल्ली से हूँ, UP के अदर स्टेट से हूँ, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं, ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ओनली UP स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं यही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BSC के लिए ओनली वन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन है कि क्या इसमें BSC का कोर्स हटा दिया गया है, तो हटा दिया गया है, ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, इसके थ्रू आपकी सीटें फिलअप की जाएंगी, तो आप वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर BSC नर्सिंग का कोर्स करना है, क्योंकि उस पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और सभी प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो BSC नर्सिंग आराम से आप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन आप बता दीजिए कि 2021 में CP NET में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसकी वीडियो आएगी, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया है, तो वीडियो आ जाएगी। और जितनी भी अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना है ना, तो चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें, अगर चैनल पर विजिट कर लिए और पूरी वीडियो देख लिए ना,
तो ये समझिए कि अगर क्वेश्चन 100% सब वहीं से आते हैं और अगर आप क्वेश्चन नहीं गलत किए तो आप ये समझिए कि कोई भी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। तो चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल, यूट्यूब पे आप सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या फिर KGMU हो गया, AVMU, सभी प्रिपरेशन कराई जा रही है और कराई गई है। तो कौन कौन सी वीडियो आपको रिवाइज करने हैं, मैं अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कि कौन कौन सी वीडियो आप रिवाइज करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा या फिर चैनल पे जाएंगे वहाँ सब चीज़ प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी वाला एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो भी अभी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डेट चल रहा है 15 तक है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एडमिशन इन SFI गवर्नमेंट कॉलेज में होगा कि और कहीं पे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पे, तो ओनली SFI में, ये भी बता दिया। GNM बायो मैथ और कॉमर्स वाले सभी कर सकते हैं। GNM कोर्स काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर SFI से GNM करना है तो क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए कि मैथ होना चाहिए, तो ये वीडियो ही पूरी बनाए हैं भाई। ये चाहे GNM बायो वाले, मैथ वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले सभी कर सकते हैं, वीडियो बनी हुई है, चैनल पे देख सकते हैं। अदर स्टेट न्यू कास्ट सर्टिफिकेट ओनली OBC के लिए होगा, ये भी सही है। तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर बता दूंगा कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो चैनल से बने रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए कल से। और ये एक चीज़ है, आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, कि आप लोग टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करें, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, पढ़ाई शुरू कर दें। अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे आप शुरू करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराइए, भाई मैं इतनी वीडियो में करा दिया हूँ, लगभग आपको 450 से प्लस वीडियो, वैसे तो मेरे चैनल पे 1000 प्लस वीडियो हैं, 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं, लेकिन आपको 450 वीडियो टोटल रिवाइज करने हैं। तो आप वीडियो रिवाइज करें, मैं तो जितना हो सकूँगा कराऊँगा, क्योंकि मेरे पास समय तो एकदम नहीं है, कम है, क्योंकि मैं भी कोर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी रिसर्च टॉपिक सब चीज़ें चलती हैं गवर्नमेंट में, तो समय कम है। आप अपना खुद जितनी वीडियो है रिवाइज करिए और पढ़ाई फोकस ज़्यादा करिए, और 8-10 से 12 घंटे पढ़िए टोटल ना दिन में, टालिए घूमिए नहीं, टिकटॉक वीडियो मत देखिए, बस पढ़ाई करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।